ऊपर मुझे देखो आपको टेंथ की किन्नी नहीं देखो हैं की किसे करो हैं कैसे बताया था वेरी गुड रुको 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 ऊपर देखो ऊपर करो अब करो स्लो स्लो आप बहुत शूट है इसको अच्छे से पकड़ लो फिर आप गिरोगे मुझे देखना है आपने इसको लूज छोड़ दो मुझे देखना है वेरी नॉप की है अभी ये इसका फर्स्ट टाइम है ये फर्स्ट टाइम कर रही है तो ये अपने आप गए उसको ये फील आ गई मेरे को ऊपर देखो एक मिनट आया था कि जो छोटे बच्चे हैं वो बल्कि फेस अंदर नहीं डुबोले जैसे ये तो डुबो लेते हो आप डुबो लेते हो ना डुबो के दिखाना एक बार ओ रुको आगे जैसे ये तो फेस अंदर कर लेती है तो सीन क्या है कि जो कई बच्चे नहीं डुबोते वो उनके लिए क्या टिप्स रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं स्टॉप में अभी इसको फेस अंदर कर लेती है तो अभी हम इसको फेंकें जो विनर्स होती है अभी ये फेस अंदर करते हैं इसको पानी से इतना डर है नहीं वैसे आप चश्मा जरूर बच्चे को लगाओ कैप और चश्मा गॉगल्स इसलिए होता है कि आँखों में बार बार पानी मिल जाता है पर इसका हमें फेस बार बार पानी में डुबोना है तो कोई चक्कर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है आप बिल्कुल अब जैसे इधर सूरज है तो मैं इधर करूँगा तो इसकी आँखों में सूरज पड़ेगा पर हम चिन्ह अप करवाने के लिए इधर से हम ऊपर दिखाएंगे दीवार को पकड़ आप देखो नोट करो बच्चे कमर के नीचे आपने हाथ रख लेना है ठीक है उसके बाद ये फील आ गई मेरे ऊपर देखो आसमान कहाँ है लेग्स क्लोज ज्वाइंट करो लेग्स को गर्मी लग रही है वो निकल जाएगा अपने आप निकल जाएगा फ्रेंड्स देखो चिन अप की है अभी ये इसका फर्स्ट टाइम है ये फर्स्ट टाइम कर रही है तो ये अपने आप कर देंगे ऊपर लेके मुझे ये हाथ सीधा करो पीछे करा सीधा करो ये देखो ये देखो हाथ को दोनों का ठीक है अब एक बार कैसे करना ये देखो इसको पकड़ो मैं बताता हूँ ये देखो ऐसे पकड़ लिया ये हाथ स्ट्रेट कर दिए देन ऊपर ठीक है करें ठीक है तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है इसमें जो बच्चा होता है उसके जो फुट है वो ज्वाइंट रहेंगे और बच्चा जो पाइप है यहाँ पाइप नहीं है यहाँ दीवार को पकड़ लेगा ऐसे वो ऊपर देखे ना ऑटोमेटिकली बॉडी फ्लोट करती है क्योंकि बच्चे को बॉडी टाइट रखनी आती नहीं है तो बच्चा फ्लोटिंग जो अपना फ्रंट फ्लोटिंग रहती है बैक फ्लोटिंग रहती है ये जल्दी सीखता है ठीक है तो चलो एक बार फिर से आ जाओ अभी करके आ गए आप चलो आज सीधी स्विमिंग मैं छोड़ूंगा नहीं आपको आपको ऐसे एक पकड़ लो ये हाथ पकड़ लो इसको सीधा कर लेना ऊपर ठीक है अब देखो लेग ज्वाइंट कर लो वेरी गुड ओए फ्लोट कर ले ऊपर देखो ये नीचे ऊपर देखो पूरा आप देखो मुझे देखो छूटा है इसको अच्छे से पकड़ लो फिर आप गिरोगे नहीं मुझे देखना है आपने इसको लूज छोड़ दो मुझे देखना है वेरी गुड अब काउंट करो 10 तक गिनती आती है काउंट करो ऊपर मुझे देखे वेरी गुड फ्रेंड्स मैंने इसके कमर से हाथ हटा लिया था और ये काउंटिंग कर रही थी तो इसका जो माइंड है वो काउंटिंग में शिफ्ट हो गया डर की वजह से ठीक है सोचना ये भूल जाते कि हाँ मैं डूब रही हूँ या कुछ हो रही है तो माइंड को डिवाइड कर दो ऊपर चांद दिखा दो तारे दिखा दो बच्चों को दिखाना पड़ता है बहुत कुछ ठीक है अब जैसे कितने तक गिनती आपके यहाँ आती है या नहीं आती कितनी 100 तक आती है 50 तक 30 तक 10 तक चलो एक और फिर से वैसे ही पकड़ लो ऐसे पकड़ के आप देखो मुझे देख के सुनानी है ठीक है चलो लेग्स अप करो अब करो जब मैं बोलूँगा मुझे देखो ऊपर से पकड़ो दीवार लेग ज्वाइन ऊपर देखो मुझे देखो अब करो मुझे देखो रुको अभी नहीं रुको ऊपर देखो ऊपर करो अब करो स्लो आप बहुत फास्ट चलेंगे और क्या दिखेगा ये दोनों हाथ बाहर ये फ्लोट कर रही थी और ये इसका फ्लोट फर्स्ट टाइम है जो ये खुद फ्लोट कर रही है आई थिंक हफ्ते बाद आ रहा हूँ तो तब भैया इसको पकड़े करते हैं पर इसकी डेवलप क्या है ये डेवलप कहाँ पे हुई है कि ये फेस पानी के अंदर कर लेती है ठीक है तो इसलिए डर नहीं है तो अब ये फ्लोट कैसे कर रही है देखो मैंने हटा दिया तो मैंने हाथ हटा लिया पर वो चीज़ इसके दिमाग में नहीं है क्यों बच्चा है ठीक है अब फ्लोट बहुत अच्छा करने लगी अब ये फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही ट्रेन किया मैंने इसको कभी नहीं ट्रेन किया तो ये ऐसे स्कूल में आती है तो पहली बार जब मैं शूट किया था तो आई थी ठीक है तो मेरे कमेंट था कि भाई वो सीधा सिर नहीं नीचे लगे बच्चा है चाहे आप ले ये लगा लो ये तो खैर बहुत बड़ी है 3 साल की है ठीक है
अगर आप 1.5 साल के बच्चों को ये वाली ट्रेनिंग देते हो तो इसमें स्विमिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। चिन बच्चों को आप किसी चीज़ का रिस्पोंड नहीं, स्टार्टिंग में कमर में हाथ रखो, चिन अप कर, चिन जैसे अप करेगा ना पानी के अंदर इतने कान चले गए तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। बच्चे को बॉडी हार्ड रखनी नहीं आती, टाइट रखनी नहीं आती, बच्चे का खुद का कुछ पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए आप उसको दीवार पकड़ा, दीवार पकड़ा दो, कैप पकड़ा दो, कोई भी चीज़ पकड़ा दो। इससे क्या होगा, इससे बच्चा अच्छे से स्विमिंग सीख पाएगा। ट्रिक समझ में आ गई, अगर बच्चा फेस अंदर पानी के नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, आपने फ्लोटिंग करानी है। तो थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद देखना कि मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, देन ये अपने आप ऊपर फ्लोट करेगी। ये अभी ग्रिपिंग कर रही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिकली ग्रिप छोड़ देगी, उसको चल जाएगी, ग्रिप कर लेंगे, ग्रिप कर लेंगे, हाँ ग्रिप हो गई। चलो अब पानी में आके देखो मुझे, आ जाओ पानी में, आ जाओ, आ पानी में, आँखें खोल नहीं रखनी है, आ जाओ देख, आ जाओ, आ जाओ, रुको रुको रुको, एयर एयर खत्म होने से पहले पहले 1 2 3 आ जाओ। उसने सिर मारा मेरे सिर में, बम पानी में दिखा आपको, देखो फिर से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी में दिखा, नजर आया आपको पानी में, घर में बैठ कर लेटते हो ना तो मैंने पकड़ा हुआ आप और पैर लगो, यहाँ पे पैर लगाने, ठीक है आप देखो ऊपर, देखो मुझे, देखो ऊपर, ऐसे नहीं ऐसे ऊपर देखो मुझे, मैंने पकड़ा हुआ, मुझे देखो आप फ्लोट कर रहे हो, लेग जॉइंट रखना, लेग जॉइंट देखो, देखो अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर देखो हैं, एक ऊपर मम्मा का देखो, मम्मा का है ये, मम्मा दिख रहा है, देखो ऊपर से देखो मम्मा को, मैंने पकड़ा हुआ आप, मम्मा का देखो ये, मम्मा का देखो, मम्मा का है, मम्मा देखो कहाँ है, मम्मा को देखा 10 तक काउंटिंग करनी है स्लो स्लो, ठीक है ठीक है ओके। सीन क्या है बच्चे के साथ, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, एक्चुअल में आपको खुद को जाना चाहिए, जितना ज़्यादा स्पेंड टाइम करोगे उतना ज़्यादा वो जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी सीखेगा। बल्कि ये इसको आते हुए यहाँ पर आई थिंक शायद महीना होने वाला है, पर ये पानी में आ गई, सिर्फ ऐसे नॉर्मली पकड़ के ऐसे जैसे बच्चों को लेके घूमते हैं ऐसे घूमते चली जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम इसने ये फ्लोटिंग की, अपने आप हाथ हटा दिया, कैप पकड़ी और अपने आप की मूवमेंट जो चल रही है वो चल रही है। तो छोटे से छोटा बच्चा भी ना 1 से 1.5 महीने में हाथ पैर मारना सीख जाता है, उसके बाद वो पूल में अपना सीख जाएगा ब्रीथिंग सिखाने के ऊपर, प्रैक्टिस के करने के ऊपर। तो इसको क्या होगा, जल्दी बच्चा स्विमिंग सीख जाता है, छोटा बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। छोटे बच्चों को बस पानी के अंदर रेगुलर लेके आओ आप, उसके बाद वो जल्दी सीख जाएगा। ध्यान रखना कि बच्चा कभी भी पानी पिए ना, तो चांसेस क्या है कि अगर बच्चा ऐसे डुबो फेस अंदर नहीं कर रहा तो पहले 10-15 दिन मस्ती कर दे। तो आई होप अगर आप समझ में आ गए, छोटे बच्चों को अगर आपने ट्रेन करना है तो कभी भी फ्रंट फ्लोटिंग से स्टार्ट मत, आप बैक फ्लोटिंग से स्टार्ट करो, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बैक फ्लोटिंग से क्या होगा कि पानी के अंदर उसका डर खुल जाएगा। तो
इससे आपके बच्चा जल्दी स्विमिंग सीखता है। भाई ने मुझे कमेंट किया था रात को, मैंने बता दिया था कि मेरा बेबी है जो वो फेस अंदर नहीं करता, तो उसको बहुत डर लगता है, तो आपने फेस अंदर करना ही हुआ, हम फेस अप कर देंगे, ठीक है। और सबसे आसान है, अगर फ्लोटिंग किसी को नहीं आ रही, अगर फ्रंट फ्लोटिंग में बहुत दिक्कत हो रही है, तो अप करो और फ्री स्टाइल की किक स्टार्ट कर दो। फ्री स्टाइल की किक क्या है, ये वाली, ये वाली किक स्टार्ट कर दो। अब मैं कुछ कर रहा हूं, बच्चे को इतना पता नहीं होता, तो बच्चे को हमने नाक से या मुंह से कंफ्यूज नहीं करना, हमने सिंपल फेस से फूंक मारने के लिए कहना, कैसे ये चीज हमने रिपीट करनी है, पर उसको आंखें भी अंदर करने के लिए नहीं बोलना, हमने बड़ा सिर्फ फूंक मार, बस जय बड़ी फूक मारने वाले वो बाहर आ गए, अपने आप सांस लेगा, ठीक है ना, पूरी फूक मारेगा अंदर पानी के अंदर, तो जिससे ही होगा, और उसको बताना कि मुँह का पानी पीना नहीं, ये ऐसे कर देना, बाहर कर देना, जब ये बच्चा सीख गया ना, तो आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा और जल्दी स्विमिंग सीख गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सी वर्ड स्विमिंग पूल में है, ठीक है, मस्त पूल है। ये देखो, ये बच्चों के लिए ना, ये जो पूल है ये 2.5 फीट, ये सिर्फ इतना सा पूल है, ठीक है, और ये छोटे बच्चों के जैसे 3 से 4 साल के लिए बेस्ट, और ये सारा पूल एक जैसा ही है, ठीक है ना। अगर जैसे लगा लो आपने छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, तो ये वाला पूल एकदम परफेक्ट है। अगर बड़े पूल में जाते हैं तो थोड़ा रहता है कि बड़ों के लिए होता है, और ये स्पेशल छोटा छोटे बच्चों के लिए। और सीखो, वीडियो टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, तो आज के लिए इतना काफी। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। फुल लोकेशन डिस्क्रिप्शन।